हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। में बात करेंगे कि आज ऐसे शेयर की जिसके अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि दो बड़े बड़े अपडेट देखने को मिल जाते हैं और साथ ही साथ में राकेश झुंझुनवाला की भी होल्डिंग्स जो है इस कंपनी के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। अपडेट की बात करें तो देखिए, गेमिंग इंडस्ट्री मे ग्रो 3-4 टाइम्स बाय फाइनेंशियल ईयर 27। वाई नजारा टेक्नोलॉजी डेल्टा कॉर्प शेयर्स हैव ह्यूज अपसाइड पोटेंशियल। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में नजारा टेक्नोलॉजीज की, और इसके अंदर जो है आरजे यानी कि राकेश झुंझुनवाला की भी खुद की होल्डिंग्स हमें देखने को मिल जाती हैं। क्या कुछ अपडेट निकल के आ रहा है डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नजारा टेक्नोलॉजीज लास्ट क्लोजिंग डे ऑलमोस्ट 6.5% का उछाल देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे FII जो है यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी अब जो है स्टॉक के अंदर बाय करने के लिए होड़ में लग चुके हैं, क्योंकि FII की होल्डिंग्स भी ऑटोमेटिक जो है स्टॉक के अंदर हिस्सेदारी जैसे ही बढ़ेगी एक पॉजिटिव मोमेंटम लेके आएगी। और लास्ट क्लोजिंग डे जैसे ही FII के बाय करने की खबर आई थी, वैसे ही जो है ऑलमोस्ट 6.5% की तेजी नजारा टेक्नोलॉजीज में हमें देखने को मिली है। 566 रुपये पे लास्ट क्लोजिंग थी उससे पहले दिन की, और लास्ट क्लोजिंग जो रही है वो 603 रुपये पे देखने को मिली। अगर बीते 5 दिन के रिटर्न्स देखेंगे तो 3.5% तक के नेगेटिव हैं, और एक महीने के ओवरऑल रिटर्न्स देखेंगे तो 13% के आसपास तक के नेगेटिव देखने को मिल जाते हैं। बीते 6 महीने के रिटर्न्स की मैं बात करूं तो बीच बीच में अपसाइड मूवमेंट अच्छा खासा आया है। 500 रुपए से भाग के स्टॉक ऑलमोस्ट 700 रुपए गया, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग हुई और उसके बाद से स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली है, लेकिन 6 महीने में कोई खास पॉजिटिव मोमेंटम नहीं देखने को मिला। लेकिन ऊपरी स्तर से अगर मैं करेक्शन की बात करूं तो 54% तक ये स्टॉक अभी भी ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका है अपने ऊपरी स्तर से। गेमिंग इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो देखिए, नजारा टेक्नोलॉजी जो है एक तरह से गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर ही आता है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ह्यूज अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल जाता है, क्योंकि जी बिजनेस की तरफ से अपडेट आया है कि आने वाले 2027 तक, अभी ऑलमोस्ट 4 साल में जो कंपनी है गेमिंग इंडस्ट्री की, जितनी भी कंपनीज है वो 3-4 गुना हमें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। नजारा टेक्नोलॉजी डेल्टा कॉर्प गेमिंग इंडस्ट्रीज लाइकली टू ग्रो 3-4 times इट्स करंट साइज बाय द फाइनेंशियल ईयर 26-27। जी बिजनेस सीनियर रिसर्च एनालिस्ट कौशल गुप्ता सेड कोटिंग टीमलीज डिजिटल रिपोर्ट्स, ही बिलीव्स गेमिंग रिलेटेड स्टॉक्स लाइक नजारा टेक्नोलॉजीज डेल्टा कॉर्प एंड ऑन मोबाइल ग्लोबल मे विटनेस बिग अपवर्ड मूवमेंट। और यहां से एक बड़ा अपवर्ड मूवमेंट जो है हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि टीमलीज डिजिटल रिपोर्ट में यहां पे ये बात निकल के आई है, और आने वाला वक्त जो है वो बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स जो है इन स्टॉक से बना के दे सकता है। अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, करना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग को, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां पे हर रोज बैंक निफ्टी और निफ्टी की 1-2 डेमो कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, जिनकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 90% से अबव रहती है। उनसे आप अपना पुराना लॉस भी रिकवर कर सकते हैं, और डेली आप लोगों को नेक्स्ट डे प्रिडिक्शन भी दिखाया जाता है कि मार्केट किस हिसाब से नेक्स्ट डे परफॉर्म कर सकती है, किन रेजिस्टेंस का फॉलो कर सकती है मार्केट, और क्या सपोर्ट लेवल ले सकती है, और किन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। ट्रेडिंग में बहुत ही हेल्पफुल वो वीडियो रहता है जो मैं डेली आपको टेलीग्राम में शेयर करता हूं, लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नजारा टेक्नोलॉजीज हाइक स्टेक इन एब्सोल्यूट स्पोर्ट्स, यानी कि नजारा टेक्नोलॉजी ने यहां देखिए 17 नवंबर को ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट स्पोर्ट्स के अंदर यहां पे स्टेक अपना बढ़ा दिया है, और एक्वायर्स एडिशनल बताऊं तो ऑलमोस्ट 5.7% स्टेक ऑफ ₹19.99 करोड़, तो ऑलमोस्ट 20 करोड़ की हिस्सेदारी जो है यहां पे ऑलमोस्ट जो है बढ़ा दिया नजारा टेक्नोलॉजीज ने। नजारा टेक्नोलॉजीज हैज कंप्लीटेड द एक्विजिशन ऑफ 12,323 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 each इन एब्सोल्यूट स्पोर्ट्स फॉर ए टोटल कंसिडरेशन ऑफ 19.99 करोड़ ऑन 15 नवंबर 2022। तो इस एक्विजिशन में जो है एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट भी जो है हमें नजारा टेक्नोलॉजी के शेयर प्राइस के अंदर देखने को मिला। साथ ही साथ में नजारा टेक्नोलॉजी के अंदर एक और बड़ा चेंज देखने को मिला कि नजारा स्पोर्ट्स किडा अपॉइंट्स अजय प्रताप सिंह एज CEO, फाउंडर पोर्स जैन रिजाइन्स, यानी कि जो फाउंडर थे नजारा टेक्नोलॉजी के उन्होंने रिजाइन दे दिया है, और अजय प्रताप सिंह को यहाँ पे कंपनी का नया चीफ जो बना दिया गया है और चीफ एग्जिस्टिंग ऑफिसर जो है। और दिस अपॉइंटमेंट्स कम एट टाइम व्हेन नजारा टेक्नोलॉजीज हैज आल्सो विटनेस ए रिसेंट चेंज इन स्टॉक मैनेजमेंट विद फाउंडर नीतीश मिटरशियन टेकिंग बैक द चीफ एग्जीक्यूटिव रोल ऑन December 1 एज द करंट चीफ एग्जीक्यूटिव मनीष अग्रवाल्स प्लान टू स्टेप डाउन आफ्टर ए 7.5 year स्टिंट। तो यहाँ पे कंपनी की फेरबदल भी देखने को मिले कंपनी की जो डायरेक्टर्स है, बट लेकिन यहाँ पे एक अपसाइड मूवमेंट जरूर नजारा टेक्नोलॉजी में हमें देखने को मिल सकता है। लास्ट क्लोजिंग में वॉल्यूम देखें तो 32 लाख शेयर्स का वॉल्यूम देखने को मिला था, मार्केट कैप 4,000 करोड़ के आसपास का है,
बुक वैल्यू भी 136.45 रुपये की देखने को मिल जाती है। टेक्निकल चार्ट की बात करें तो RSI 36.71 है, यानी कि एक बाइंग जोन में है, ओवरबोर्ड कंडीशन में नहीं देखने को मिल रहा है। और अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करूँ तो साथ ही साथ में जो है थोड़ी सी अपसाइड है, 612 पे है, जबकि स्टॉक का करंट प्राइस 606 रुपये पे देखने को मिला है। FII भी जो है लगातार इंक्रीजमेंट जो है अपनी स्टेक्स के बढ़ा रही है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 6.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली। रेजिस्टेंस 624, 642 और 670 रुपये का है, जबकि सपोर्ट लेवल ऑलमोस्ट 532 रुपये तक के देखने को मिल जाते हैं। लास्ट क्लोजिंग में वॉल्यूम ऑलमोस्ट 35 लाख के आसपास का ट्रेड होते हुए देखने को मिला। P&L की अगर बात करूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है जून क्वार्टर के अंदर ऑलमोस्ट 86 करोड़ का देखने को मिला। और साथ ही साथ में अगर मैं रिजर्व की बात करूं तो 1073 करोड़ के रिजर्व हैं, जहां 2017 में 221 करोड़ के रिजर्व थे, और कर्जा भी ऑलमोस्ट 19 करोड़ के आसपास का ही देखने को मिल जाता है। प्रमोटर स्टेक में देखिए ऑलमोस्ट 19% प्रमोटर के पास है, 10% जो है FII के पास, और 5.43% पब्लिक के पास है, सॉरी DII के पास, और पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 65% है, जिसमें से झुंझुनवाला राकेश राधेश्याम के पास ऑलमोस्ट 10% स्टेक देखने को मिल जाते हैं, और अर्पित खंडेलवाल के पास भी ऑलमोस्ट 10.48% होल्डिंग्स हैं। और RJ ने जो है ऑलमोस्ट अपनी डेथ से पहले जो है नजारा टेक्नोलॉजी के अंदर अपनी बाइंग्स इंक्रीज की थी। तो मौका है ऐसे स्टॉक्स को बाय करने का। देखिए स्टॉक एक दिन में ग्रो नहीं होती है कोई कंपनी, टाइम लगता है, और आने वाला वक्त जो है किस हिसाब से परफॉर्म करेगा, और एक एजम्पशंस लेके हम चलते हैं कि कौन सा स्टॉक ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखा सकता है।